हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के बारे में। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है बहुत सारी कंडीशन में, जैसे कि सीवियर कंडीशन में, लाइक स्टमक कैंसर में, पेट में कैंसर है, लीवर के प्रॉब्लम में, देन ब्रेस्ट कैंसर में, और ये अल्सर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई ऐसा अल्सर हो गया, कोई जख्म हो गया, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, देन इसको देखते हैं आगे। तो ये जो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस है वो एक वेजिटेबल किंगडम है। ये वेजिटेबल किंगडम से प्रिपेयर होती है, जो कि गोल्डन सील से बनती है। ओके, और इसका जो फैमिली है वो रेनन कुलेसी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसका फॉर डिबिलेटेड पर्सन विथ विसिड म्यूकस डिस्चार्ज, मीन्स ये ऐसे पर्सन, ये हाइड्रेस्टिस के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ओके, उन्हें फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में जो उनके जो डिस्चार्ज होते हैं, जो भी लाइक थ्रोट, नोज से, स्टमक से, या फिर वाइड डिस्चार्ज फीमेल के कंडीशन में, जो इनके जितने भी तरह के डिस्चार्ज, जो भी सिक्रीशन होता है, वो बहुत ऑफ, मतलब बहुत थिक होता है और बहुत चिपचिपा सा होता है और येल्लो होता है, चिपचिपा सा होता है। ओके, विसिड। एंड देन इसका नेक्स्ट है कैकेटिक और मैलिग्नेंट डिस्क्रेसिया। इट मींस कि ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर में वर्क करता है, मींस कैंसर प्रॉब्लम में, जैसे कि स्टमक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और इसके वजह से जो पेशेंट होता है वो वीक हो जाता है, उसका वेट लॉस होता है, हो जाता है। ओके, विथ मार्क डिरेंजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड हेपैटिक फंक्शन। ये पेट की कंडीशन और हेपैटिक मीन्स लीवर के फंक्शन में जब डिरेंज हो जाता है, तो ये हाइड्रेस्टिस मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, इसकी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, एक प्राइमरी रेमेडी हम बोल सकते हैं इसको। ओके, देन ब्रोकन डाउन बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले चुके हैं, और उसके बाद उन्हें गैस्ट्रिक और हेपेटिक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइक लीवर सिरोसिस हो गया, लास्ट स्टेज में चला गया लीवर, तो उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, देन नेक्स्ट सिम्टम्स है माउथ। माउथ में क्या प्रॉब्लम होता है हाइड्रेस्टिस के पेशेंट को? नर्सिंग सोर माउथ, कि माउथ में जो होता है वो अल्सर हो जाता है, ठीक है, और वो ईजिली क्योर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। देन इसके पेशेंट के जो टंग होते हैं वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। देन सो इम्प्रिंट ऑफ टिथ, मतलब इम्प्रिंट ऑफ टिथ होता है माउथ में, टंग में। ओके, एंड इम्प्रिंट सा अपीयर होता है माउथ में। देन नोज़ में क्या सिम्टम्स है? प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो स्टिंगी म्यूकस फ्रॉम नेजल पैसेज। ओके, कि जो नोज़ होता है, जब पेशेंट को लाइक साइनस के कंडीशन में या जुकाम हो गया है, अगर उस कंडीशन में जो नोज़ से जो डिस्चार्ज होता है, जो नाक से जो निकलता है, वो कैसा निकलता है? गाढ़ा होता है, पीला होता है, स्टिंगी टाइप होता है, लाइक लसेदार, लाइक धागे जैसा होता है, ठीक है, धानेदार, मतलब लंबे लंबे होते हैं। ओके, ऐसा डिस्चार्ज होता है। ओके, एंड देन इसका नेक्स्ट है थ्रोट के सिम्टम्स क्या है? हॉक येलो विसिड म्यूकस फ्रॉम पोस्टीरियर नैर एंड फॉस। तो वही है कि ये जो हाइड्रेस्टिस के जो डिस्चार्ज है, जो सिक्रीशन होता है, किसी भी ऑरिफिस से जो भी डिस्चार्ज निकलता है, लाइक नोज, थ्रोट वगैरह से, तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो तो पहली बात बहुत थिक होता है, मोटा सा, ठीक है, थिक होता है, बहुत चिपचिपा होता है, और उसका जो कलर होता है वो येल्लो होता है। तो यहाँ पे थ्रोट से जो डिस्चार्ज होता है, लाइक पेशेंट को खांसी वगैरह हो गई या कोई प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो येल्लो होगा, थिक होगा, ठीक है। नेर मीन्स नॉस्ट्रिल से, और फॉसेस मीन्स ये बेस ऑफ द माउथ से, फेरिंग्स के पहले से इस तरह का डिस्चार्ज होगा। ओके, देन अल्सरेशन आफ्टर मरकरी और क्लोरेट ऑफ पोटास। मतलब मरकरी और क्लोरेट ऑफ पोटास लेने के वजह से अगर अल्सर हो गया, तो उसमें अच्छा वर्क करता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि अल्सर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन ये सिफिलिटिक एंजाइना में भी वर्क करता है। सिफिलिटिक एंजाइना एक हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो एरोटिक वाल्व है उसमें थिकनेस हो जाता है, जिसके वजह से डायलिटेशन में प्रॉब्लम होता है। ओके, देन नेक्स्ट सिम्टम्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिकोरिया, जो वाइट डिस्चार्ज होता है फीमेल में, वो कैसा होगा? रॉपी, थिक, विसिड, येल्लो, हैंगिंग फ्रॉम ओएस इन लॉन्ग स्टिंग्स। ऐसा कालीबाइक्रॉम में भी है।
लाइक हमने पहले ही बताया कि जितने भी डिस्चार्ज है, जितने भी सिक्रीशन होंगे हाइड्रेस्टिस के, वो थिक लंबे से धागे जैसा होगा, पीला होगा, ठीक है, एकदम हैंगिंग, लटक नहीं जा सकता, वो इतना चिपचिपा होता है, ऐसा फील होता है कि वो लटक रहा है फ्रॉम ओएस से, वहाँ सर्विक्स से, ओके। और ये प्रोराइटिस के भी केस में अच्छा काम करता है, ओके। देन नेक्स्ट है कैंसर ब्रेस्ट। अगर कैंसर ब्रेस्ट में कैंसर है, अगर वो हार्ड है, एडरेंट है, जब स्किन मॉटल्ड है, लाइक छोटे छोटे रेड पैचेस हैं, पकर्ड मीन्स ये जो ब्रेस्ट के पास है वो रिंकल्स होता हो गया है, बहुत टाइट स्किन हो जाता है ब्रेस्ट के आसपास, तो उसको बोलते हैं पकर्ड, रिंकल टाइप्स हो गया, जैसे खींचा टाइप का। और उसमें जो दर्द होता है कैंसर ब्रेस्ट में, किस तरह से दर्द होता है, दर्द नाइफ लाइक शार्प कटिंग पेन, ऐसा सांप जैसा पेन होता है, कटिंग जैसा कुछ, ऐसे काटने जैसे चाकू से काटते हैं हम, तो उस तरह से दर्द उसको फील होता है। देन निपल रिट्रैक्टेड होता है, निपल जो होता है वो इनसाइड, मतलब इनसाइड चला जाता है, रिट्रैक्टेड हो जाता है, ओके। तो ये था फीमेल सिम्टम्स। तो आई होप ये हाइड्रेस्टिस आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, आप मेरे चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।